अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 15 डेज चैलेंज फॉर लॉन्ग हेयर, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप देख रहे हैं ग्लिटर्स ऑफ लाइफ और मैं हूँ शाजिया खान। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि किस तरह आप वो टिप्स फॉलो करके अपने हेयर को लॉन्ग बना सकते हैं। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। अपने बालों को लॉन्ग करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फ्लैक्स सीड्स। ये देखिए फ्लैक्स सीड्स, इसका हम बनाएंगे जेल। और ले लेते हैं हम 3 स्पून से, एक हमने ये बाउल ले लिया है, ये ले रहे हैं। इसमें हम डालेंगे 3 स्पून फ्लैक्स सीड्स, ठीक है। इसमें ओमेगा एसिड्स होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 होता है, जो हमारे बालों को लॉन्ग और सिल्की करने में हमें हेल्प करता है। तो हम इसके 3 स्पून ले लेंगे इस बाउल में। 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसी में ही हम डालेंगे 1 ग्लास वाटर इसमें, और इसका बनाएंगे हम जेल। तो फिर चलते हैं चूल्हे के पास, बर्नर के पास, ठीक है। चलें जी। अच्छा, इसमें जो है ये फ्रेंड्स, आप देख लें, इसमें जब झाग आना शुरू हो जाएंगे तो आप इसमें चम्मच चलाते रहिएगा जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़ा होने के बाद ये देख लें, इसमें झाग बनना स्टार्ट हो गए। जब ये 1 गिलास पानी आपका आधा गिलास पानी रह जाए तो इसको चूल्हे पे से उतार लीजिएगा और इसको छान लीजिएगा और इसको ठंडा होने के लिए रख दें उसके। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा ये फ्लैक्स सीड जेल तैयार हो गया है। ये देख, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें आप लोग, इतना थिक होगा ये, जिस तरह के हम अंडे का वाइट पार्ट होता है ना, उस तरह से इतना इसका डार्क होगा। तो अब हम लेंगे इस जेल को, 2 टेबलस्पून हम ये जेल ले लेंगे। आप लोग अपनी लेंथ, बालों की लेंथ के मुताबिक लीजिएगा, ठीक है। मैं अपने बालों की लेंथ के मुताबिक ले रही हूँ। फोर स्पून मैंने लिया है फ्लैक्स सीड्स जेल। अब मैं लूंगी कोकोनट ऑयल। ये देख रहे हैं, एबीसी वाला का आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसका 1 चम्मच मैं लूंगी। इसका कोकोनट ऑयल। इन दोनों चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम लगाएंगे इसको अपने बालों में। चले जी, स्टार्ट कर लेते हैं अपने हेयर और पार्टीशन करते जाएं और बालों में ऐसे लगाते जाएं। ये देखें, ठीक है। मैं ये लगा कर आती हूँ पूरा अपने बालों में, फिर मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने अपने बालों में ये लगा लिया है पूरा। और कोई भी चीज़ लगाएं अपने बालों में, टिप्स पर ज़रूर ज़रूर लगाए करें। मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने आपको सिल्की और स्मूथ हेयर के बारे में बताया है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं आई बटन पर उसका लिंक शेयर कर दूँगी आप लोगों से, उसको भी देखिएगा, उसमें भी मैंने बहुत अच्छी टिप्स बताई हैं। ये देखें, अब ये हमारा हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसका मसाज करना। 5 मिनट मसाज करेंगे। मसाज आपने कैसे करना है मैं आपको बता दूं। अपने बाल पूरा इस तरह से करेंगे,
इससे क्या है, हमारे बालों की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और हमारे बाल बालों में एक नई जान सी पैदा होगी। अब मैं इसको लपेट लेती हूँ अपने बालों को और फिर मैं आपको बताती हूँ। इसको लपेट लें अच्छे से हाँ से। कैचर लगा लें। इसको मैं 30 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। 30 मिनट्स के बाद मैं वॉश करके आपके पास आती हूँ, मेरा इंतज़ार कीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आपके सामने अपने हेयर वॉश करके और रिजल्ट ये देख रहे हैं आप। ये देखें, तो करीब से भी दिखा देती हूँ, ये है हमारा रिजल्ट। तो अब रहती है आपकी बोनस ट्रिप। तो बोनस ट्रिप के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये अब विंटर है और विंटर में हम अपने बालों को गर्म पानी से ही वॉश करते हैं। भले कुछ भी हो जाए, नीम गर्म पानी ले लेंगे लेकिन गर्म पानी ही यूज़ करेंगे। तो मैं आपको मना नहीं करूँगी आप करें, लेकिन जब आप अपना सर वॉश कर लें, बालों को वॉश कर लें, तो पानी की ठंडी बोतल लेके उसको नहाने वाले मग में पानी डाल के वो ठंडा पानी अपने बालों की टिप्स जो है ना उसमें डीप कर दें। 2 से 3 मिनट्स के लिए जब आप अपनी टिप्स को उसमें डीप करेंगे तो क्या होगा, जो गर्म पानी से आपने अपने हेयर को धोया था तो गर्म पानी से हमारे बालों के फॉलिकल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है। तो जब हम अपने बालों को ठंडे पानी में डाल देंगे, अपने टिप्स को, पूरा सर नहीं धोना, सिर्फ अपने टिप्स को जो है इस तरह करके डीप कर देना है उनमें। जब हम डीप कर लेंगे तो हमारे फॉलिकल्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे और हमें जो है स्प्लिट्स एंड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बोनस टिप्स आपकी ये थी कि आपने जो है चलते फिरते दिन में तकरीबन 10 to 15 मिनट्स ये जो अपने फिंगर्स होती है ना, ये वाला हिस्सा, फिंगर्स नाखून के ऊपर वाला हिस्सा नेल्स के, इसको आपने इस तरह से रब करना है। इस तरह से जब आप रब करेंगे तो आपके बालों में एक कुदरत ही जो सॉरी, जब हम इस तरह से रब करेंगे अपने दोनों हैंड्स के नेल्स को तो हमारे बालों में एक कुदरती चमक आएगी, क्योंकि हमारी जो यहाँ से जो नसें हैं वो हमारे सर तक जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल ना सिर्फ मजबूत होते हैं और इनमें शाइनिंग भी पैदा होती है। तो ये थी आज की वीडियो आपके लिए, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर वीडियो आपको बाकी पसंद आए तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल बटन जो है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए, आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।